జాతీయ సినిమా అవార్డులను ప్రకటిస్తోంది కేంద్రం 68వ జాతీయ సినిమా అవార్డుల ప్రకటనను కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేస్తోంది మరి కాసేపట్లో ఏ జాతీయ సినిమాలకు అవార్డులు వరించాయో కేంద్రం ఓ ప్రకటన విడుదల చేయబోతోంది कई सारी पुस्तकें पढ़ी 21 जैसा कि मैम ने बताया और जो बेस्ट क्रिटिक के अवार्ड के लिए एंट्रीज आई थी उनको देखा और हम तीनों ने यूनानिमसली ये फैसला लिया इस निर्णय पर पहुंचे कि बेस्ट राइटिंग में बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड इस बार किसी को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हमें कोई हम तीनों को कोई भी एंट्री स्तरीय नहीं लगा और इस लिहाज से इस बार सखेद सूचित करना पड़ रहा है कि बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड हम लोग किसी को नहीं दे पाए। वजह यह हो सकती है कि यह 2020 का पुरस्कार है और उस वक्त कोरोना अपने पीक पर रहा होगा तो उस वजह से एंट्रीज नहीं आई और अब हम बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा बुक्स पर आते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिसको स्पेशल मेंशन के नाम से भी जानते हैं हम उसकी घोषणा मैं करता हूं। पहला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट MTA पुस्तकम मलयालम अनूप रामकृष्णन मलयालम मनोरमा इज द पब्लिशर और दूसरा कालीवाइन कालीरा सिनेमा ओडिया सूर्यदेव पक्षीघर प्रकाशने इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देने की अनुशंसा हम लोगों ने की और उसकी घोषणा कर रहे हैं। और एक बात मैं बीच में ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो पुस्तकें 21 आई थी उसमें तमाम भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थी और जूरी के सदस्यों ने कुछ अपने मानदंड तय किए, कुछ तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के मानदंड हैं और कुछ हम लोगों ने ये भी किया कि कुछ ऐसी भाषाओं का चयन भी किया जाए जिससे वहाँ के लेखकों का उत्साह वर्धन हो और वहाँ की फिल्मों के बारे में भी देश के दूसरे हिस्से को पता चल सके। तो ये काली पाइने कालीरा सिनेमा एक ऐसी ही किताब है जिसमें ओडिया क्लासिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है। और अब समय हो गया है अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। ये किताब द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा पर है। किताब का नाम है द लॉन्गेस्ट किस, इंग्लिश में है। किशोर देसाई ने इसको लिखा है और वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने इसको प्रकाशित किया है। तो हमारी जूरी ने यह तय किया कि इनको ही दिया जाए क्योंकि ये पुस्तक 10 वर्षों के रिसर्च और देविका रानी के खुद के लिखे हुए 400 पत्रों पर आधारित है और ये किताब अपने आप में फ्यूचर जेनरेशन के लिए एक रेफरेंस के तौर पर काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई विल रिक्वेस्ट श्री चित्राज सिंह टू अनाउंस द अवार्ड्स फॉर द नॉन फीचर फिल्म्स। नमस्कार, थैंक यू। मेरे साथ जूरी में थे श्री एमके भास्कर राव, श्री शिलादित्य सेन, श्री दिलीप सूद, श्री नकुल देव, श्री योगेश कुलकर्णी और श्री सत्यप्रकाश उपाध्याय। हमने तमाम फिल्में देखी और उसके बाद जो जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे वो है, सबसे पहले बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर अवार्ड गोज टू शोभा थरूर श्रीनिवासन फॉर फिल्म रेप्सोडी ऑफ रेन्स।
मॉनसून्स ऑफ केरला, रजत कमल एंड ₹50,000. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड गोज टू श्री विशाल भारद्वाज फॉर 1232 किलोमीटर्स मरेंगे तो वहीं जाकर, रजत कमल ₹50,000. बेस्ट एडिटिंग अवार्ड गोज टू अनादि एथले फॉर बॉर्डर लैंड्स, रजत कमल एंड ₹50,000. बेस्ट ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट गोज टू फिल्म जादुई जंगल, ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट संदीप भाटी एंड प्रदीप लेखवार. बेस्ट ऑडियोग्राफी अवार्ड गोज टू री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक अजीत सिंह राठौर फॉर पर्ल ऑफ द डेजर्ट फ्रॉम राजस्थान. बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड गोज टू निखिल एस प्रवीण फॉर शब्दिकुन्न कल्लप्पा, ए मलयालम फिल्म, रजत कमल एंड ₹50,000. बेस्ट डायरेक्शन गोज टू ओ दैट्स भानु, ए डॉक्यूमेंट्री इन इंग्लिश, तमिल, मलयालम एंड हिंदी, स्वर्ण कमल. बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज गोज टू कुमकुम अर्चन, प्रोड्यूसर स्टूडियो फिल्मी मॉन्क्स, डायरेक्टर अभिजीत अरविंद दलवी. बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म गोज टू कची चिनुतु फ्रॉम आसाम. अवार्ड गोज टू खंजन किशोर नाथ, हु इज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बोथ. ए स्पेशल जूरी अवार्ड गोज टू फिल्म एडमिटेड.